days and all. Then we have long-term goals. Long-term goals consist of plans you make your future typically over a year down the road. These are long-term goals are for more than 1 year. It is about our career, about our life, and we have to work more on that to achieve our goals for long term. Thank you. My friend will continue. Every person should need to set a goal, because if we don't set a goal in life, then we can't achieve anything. It's an inspiration to achieve anything and get ahead in life. It is called goal. Thank you. गोल सेटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है गोल का निर्धारण। गोल का निर्धारण कैसे होना चाहिए? व्यक्ति का गोल का निर्धारण चिड़िया की आंख की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने आसपास के वातावरण को ना देखकर अपना फोकस केवल चिड़िया की आंख को किया था, उसी प्रकार हमारा फोकस भी हमारे गोल पे होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति अपने गोल सेटिंग तक पहुँच सकता है। गोल मीन्स सपना। हर किसी के पास सपना होता है कि किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है, लेकिन उस सपने में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि उसके लिए हमको क्या क्या होना जरूरी है मेरे अंदर। तो इस छोटे से डायग्राम में हम लोगों ने बनाया है क्लियर गोल, स्पष्ट लक्ष्य, एंड सेकेंड इज विल पावर इच्छा शक्ति, एंड सेकेंड थर्ड इज कैपेबिलिटी क्षमता। तो क्लियर गोल क्या है कि लक्ष्य जो है सो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमको डॉक्टर बनना है, कल इंजीनियर बनना है ना। और सेकेंड है विल पावर इच्छा शक्ति, यानी कि आपको उसमें इच्छा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तभी वो काम आप अच्छे ढंग से करेंगे। और थर्ड है कैपेबिलिटी, आप उसके लिए योग्य होना चाहिए। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए।